नमस्कार आज की इस वीडियो में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एम ए का सिलेबस है इंग्लिश का कई बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है एक साल हो गया इसको इम्प्लीमेंट हुए लेकिन मैं नहीं अपलोड कर पाई तो आज के इस वीडियो में देखते हैं ये सिलेबस है आपका एम ए इंग्लिश का ये जो जिन लोगों ने एम ए में एडमिशन ले रखा है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वीडियो लेकिन जो लोग बी ए थर्ड ईयर में हैं और आगे उनका प्लान है कि इंग्लिश में एम करना है उनके लिए इस सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है वैसे तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस एम लेवल का टफ ही होता है डिफ़िकल्ट ही होता है क्योंकि आप मास्टर बनने जा रहे हैं किसी विषय के लेकिन इंग्लिश का सिलेबस कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ है मैं आपको डरा नहीं रही हूँ लेकिन अगर आप भी ये थर्ड ईयर में हैं तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए ये देखिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्वेंटी फॉर सेमिस्टर सेवेंथ टू टेंथ ठीक है uh, यानी सिक्स सेमिस्टर्स तो आपके बी ए में हो जाते हैं और उसके बाद जब आप एम ए प्रीवियस में आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसको सेवन्थ सेमेस्टर भी आप कह सकते हैं तो ये सिलेबस है इंग्लिश का सिलेबस फॉर फोर सेमेस्टर्स टू ईयर्स का है आपका एम ए ये देखिए ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है जिसने तैयार किया है ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इसमें लास्ट में आपको मेरा नाम भी मिलेगा बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ में यानी इस सिलेबस को तैयार करने में थोड़ा सा मेरा भी हाथ रहा है ये एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं फिर अब हम आते हैं देखिए आपके पेपर्स के नाम हैं ये सेमेस्टर वाइज टाइटल्स ऑफ पेपर्स फॉर एम ए इंग्लिश ठीक है तो एम ए प्रीवियस एम ए फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर सेवेंथ ये कोड हैं कोर्स कोड ये हैं आपके और जो आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश प्रोज फ्रॉम बेकन टू द प्रजेंट टाइम थियरी है कोर कंपल्सरी फाइव क्रेडिट्स हैं टोटल आपको नाइन्टी सिक्स क्रेडिट्स तो अपने इंग्लिश के मिलेंगे और फोर क्रेडिट्स आपको अदर फैकल्टी के ज़्यादातर हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस ले रखा है माइनर uh, जो सब्जेक्ट है तो फोर क्रेडिट्स आपको उसके मिलेंगे फिर एम ए प्रीवियस सेवन्थ सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है वो पोइट्री फ्रॉम चौसठ टू प्री रोमेंटिक्स ये भी फाइव क्रेडिट्स हैं फिर जो थर्ड पेपर है आपका 16th एंड सेवनटीन सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा और एम ए प्रीवियस यानी 7th सेमेस्टर का ही जो आपका फोर्थ पेपर है वो इंग्लिश फिक्शन का है रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में लिखना शुरू करते हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर में उसका एवेल्यूशन होता है उसके फोर क्रेडिट्स हैं और तो ये देखिए क्रेडिट्स का कैलकुलेशन दे रखा है रिसर्च प्रोजेक्ट फोर क्रेडिट्स मार्क्स हंड्रेड ईच पेपर तो इनमें से जो फोर पेपर्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो हर पेपर के हंड्रेड हैं जिसमें इंटरनल मार्क्स यानी हम लोग जो देते हैं आपको ट्वेंटी फाइव मार्क्स में से देते हैं और फाइनल असेसमेंट जो यूनिवर्सिटी से पेपर आता है वो सेवेंटी फाइव मार्क्स का आता है तो टोटल क्रेडिट्स आपके ट्वेंटी फोर हैं इस सेमेस्टर के फिर ये देखिए स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी वन इलेक्टिव फ्रॉम एनी अदर फैकल्टी तो एक आपको अदर फैकल्टी से पढ़ना होता है फोर क्रेडिट्स इन सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर तो सेवन्थ या एट्थ सेमेस्टर में आप इसको पढ़ेंगे हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा है ज़्यादातर क्या सभी ने पढ़ा है फिर सेमेस्टर वाइज टाइटल्स फॉर एम ये आपके एट्थ सेमेस्टर के हैं पेपर्स के टाइटल्स क्लासिकल एंड बिब्लिकल लिटरे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल्स तो क्रेडिट्स का कैलकुलेशन वही है सेम फिर सेकेंड पेपर है जो आपका एट्थ सेमेस्टर का वो इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम फ्राम एज टू द प्रजेंट टाइम थर्ड पेपर है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा फोर्थ पेपर ट्वेंटी सेंचुरी लिटरेचर रिसर्च प्रोजेक्ट वही जो आ, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू किया था वो सेकेंड पेपर में एवेल्यूट होगा फोर क्रेडिट्स होंगे उसके फिर देखिए आपका नाइन्थ सेमेस्टर यानी एम फाइनल में जब आप आएंगे और इंग्लिश का आप इसको थर्ड सेमेस्टर कह सकते हैं अगर कंटिन्यूशन में काउंट करेंगे तो ये नाइन्थ सेमेस्टर हुआ आपका यहाँ आपका फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेकेंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन और थर्ड पेपर रिसर्च मैथडोलॉजी फोर्थ पेपर में आपको चॉइस मिलेगी मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं या फिर न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश पढ़ सकते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ भी होगा तो आप यहाँ नाइन्थ सेमेस्टर में उसको लिखना शुरू करेंगे इवेल्यूशन इसका टेंथ सेमेस्टर में होगा फिर देखिए ये आपका टेंथ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर फोर्थ आ, आप एम का कह सकते हैं तो फर्स्ट पेपर यहाँ पे है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर सेकंड पेपर जेंडर एंड लिटरेचर थर्ड पेपर में आपको चॉइस है आप मॉडर्न लिटरेरी ट्रेंड्स एंड थीरीज़ पढ़ सकते हैं या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं और फोर्थ पेपर में भी आपको चॉइस है आप दलित लिटरेचर पढ़ सकते हैं या फिर चिल्ड्रेंस लिटरेचर पढ़ सकते हैं और वो जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था थर्ड सेमेस्टर में वो यहाँ एवेल्यूट होगा फिर हम आगे बढ़ते हैं अब आप वर्क्स देखिए जो आपको पढ़ने हैं तो जो फर्स्ट पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का वहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देखिए यूनिट फर्स्ट में रिनेसा प्रोज है उसमें फ्रांसिस बेकन है ऑफ ट्रुथ और उनका दूसरा ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ये दोनों ही मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके लिए आ, फिर सेकंड यूनिट में न्यू क्लासिकल प्रोज जोसेफ एडिसन सर रोजर एट होम रिचर्ड स्टील द स्पेक्टेटर क्लब ये दोनों एसेज भी मैंने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं आप बार बार पूछते हैं कि एम के लिए क्या अपलोड किया है मैम एम का अपलोड कीजिए तो मैंने बहुत कुछ आपके लिए अपलोड किया हुआ है एम में फिर यूनिट थर्ड देखिए रोमांटिक प्रोज है चार्ल्स लैम और बैचलर्स कंप्लेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल ये ऐसे काफ़ी लंबा है और मैंने अपलोड किया है आपके लिए ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स ये अभी नहीं हो पाया है लेकिन जल्द अपलोड करूँगी आ, फिर यूनिट फोर्थ में देखिए एसेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स इसमें ए जी गार्डनर है ऑन सेइंग प्लीज ये मैंने अपलोड किया हुआ है अ कॉलेज मैगजीन ये नहीं हुआ है अभी जो नहीं हुआ है उसको मैं आ, जल्दी अपलोड करूँगी चल रहा है प्रोसेस आपका मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस अपलोड हो जाए लेकिन बेटा इसमें टाइम लगता है कॉलेज में तो हम लोग शेयर करके पढ़ाते हैं सभी प्रोसेस लेकिन यहाँ मुझे अकेले करना होता है बीए का भी है एमए का भी है कुछ छोटे बच्चों का भी है एलेवेंथ ट्वेल्थ यहाँ तक कि नाइन्थ टेंथ के बच्चे भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनकी छोटे बच्चों की भी रिक्वेस्ट मैं पूरी करती हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा फिर फिफ्थ यूनिट में आप देखिए इंग्लिश प्रोज राइटिंग्स इन इंडिया तो एम के गांधी का मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस ये मैंने अपलोड किया हुआ है स्वामी विवेकानंद का ओपनिंग एड्रेस एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ये मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत पहले अपलोड किया था आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने ये पढ़ा है और इसको अप्रिशिएट भी किया है तो ये भी अपलोडेड हैं दोनों तो आपका ये पेपर ऑलमोस्ट कम्प्लीट मैंने अपलोड किया हुआ है फिर आप सेकेंड पेपर पर आइए ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है पोइट्री फ्रॉम चौसर टू प्री रोमांटिक्स यहाँ देखिए क्या क्या आपको स्टडी करना है द बिगिनिंग जोफ्रे चौसर द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स अभी नहीं अपलोडेड है लेकिन आ, मैं करूँगी अपलोड और जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन आपके सिलेबस में है आ, इसकी फाइव हंड्रेड से ज़्यादा मैंने अपलोड की हुई हैं और मेटोफिजिकल पोइट्री यूनिट थर्ड में है डन डेथ बी नॉट प्राउड ये मैंने अपलोड की है पोइम एंड्रू मार्वल टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ये बहुत जल्द अपलोड करूँगी बहुत प्यारी पोइम है फिर यूनिट uh, फोर्थ देखिए न्यू क्लासिकल पोइट्री अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉग इसका एक कैंटो मैंने अपलोड किया है जल्द बाकी भी अपलोड करूँगी फिर देखिए यूनिट फिफ्थ ट्रांजिशनल पोइट्री इसमें थोमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ पोईजी और विलियम कॉलेंस की ओ टू इवनिंग इनमें से अभी एक भी अपलोड नहीं हुआ है लेकिन वही मेरा प्रोमिस जल्दी करूँगी बेटा सभी की रिक्वेस्ट का एक ही जवाब देती हूँ जल्दी करूँगी बेटा लेकिन वही नहीं हो पाता फिर देखिए पेपर थर्ड देखिए इसका टाइटल तो आप पहले ही जानते हैं सिक्सटीनथ एंड सेवनटीन सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा तो यहाँ कौन से वर्ग्स आपको पढ़ने हैं वो देखिए फर्स्ट uh, यूनिट में है क्रिस्टोफर मार्लो द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस ये मैंने अपलोड किया है थोड़ा टैक्सट uh, में आपको डिफ्रेंस uh, नज़र आ सकता है क्योंकि डॉक्टर फोस्टस के दो टेक्स्ट मिलते हैं तो मेरे पास uh, जो टेक्स्ट था वो डी का था डेल्ही यूनिवर्सिटी का और वहीं की बुक थी मेरे पास uh, तो उसमें जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो अक्सर यहाँ नहीं मिलता तो थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये पूरा अपलोडेड है आप उसको देख लीजिएगा फिर जो सेकंड वर्क है यूनिट सेकंड में विलियम शेक्सपियर का द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट ये भी मैंने ये सबसे लंबा ड्रामा है लॉन्गेस्ट ड्रामा है शेक्सपियर का और ये मैंने पूरा अपलोड किया है बहुत गज़ब की ट्रेजडी है ज़रूर पढ़िएगा फिर यूनिट थर्ड देखिए शेक्सपियरियन कॉमेडी एज़ यू लाइक इट ये भी मैंने अपलोड की हुई है ज़रूर पढ़िएगा फिर यूनिट फोर्थ हीरोइक ड्रामा है इसमें ऑल फॉर लव जॉन ड्रैडन का ये अभी नहीं अपलोड हुआ है लेकिन जल्द करूँगी इसको और यूनिट फिफ्थ में है विलियम कॉन्ग्रीव का रेस्टोरेशन कॉमेडी बहुत खूबसूरत द वे ऑफ द वर्ल्ड ये मैंने अपलोड की हुई है तो बहुत कम बचा है जो मैंने अपलोड नहीं किया है ऑल फॉर लव इसमें अपलोड नहीं हुआ है बाकी तो ये सारे वर्क्स अपलोडेड हैं तो आप जो पूछते हैं एम के लिए क्या अपलोड किया ये पूरा अपलोडेड है पेपर सिर्फ एक ड्रामा नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है आपका पेपर फोर्थ पेपर फोर्थ फर्स्ट सेमेस्टर का इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए पिकरेस्क नावल है फर्स्ट यूनिट मॉल फ्लैंडर्स डैनियल डिफो का हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स हाँ नावल का थोड़ा सा मेरा वीक चल रहा है अपलोडिंग uh, इनमें से एक भी अपलोडेड नहीं है रोमांटिक uh, नावल्स में जेन ऑस्टन का एमा और एमिली ब्रॉन्टी का वदरिंग हाइट्स इन दोनों में से एक भी अपलोडेड नहीं है चार्ल्स जिकन्स का डेविड कॉपरफील्ड है टॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ द डियर वर्वल्स ये बहुत प्यारे प्यारे नॉवेल्स हैं लेकिन क्या करूं बेटा नहीं अपलोड हो पाई टेस्ट तो मेरा फेवरेट है बहुत ही खूबसूरत है सचमुच आप रो देंगे इस नॉवल को पढ़ते पढ़ते तो फिर यूनिट फोर्थ में है ट्वेंटी सेंचुरी नावल यहाँ पर डी एच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है फिर ट्वेंटी सेंचुरी नोवेल पार्ट टू यहाँ वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे है फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे का फेयरवेल टू आर्म्स है अब हम बढ़ते हैं यहाँ देखिए आपको ये पहले ही बता चुके हैं आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना है ना फोर क्रेडिट्स हैं इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर में ये इवेल्यूट होगा फिर हम आते हैं एर्थ सेमेस्टर एर्ट सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका टाइटल क्लासिकल एंड बिब्लिकल लिटरेरी टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल्स तो यहां आपके सिलेबस में देखिए क्या क्या है यूनिट फर्स्ट में अथेनियन ट्रेजिडी है सोफोक्लीज का एंटीगनी फिर देखिए यूनिट सेकंड में बिब्लिकल टेक्स्ट है द ग्रेट डिबेट ऑन द प्रॉब ऑफ सफरिंग बुक ऑफ जाब एटीन बुक फ्राम द ओल्ड एस्टामेंट यूनिट थर्ड है ड्रामेटिक पोएम बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल तो यहाँ जॉन मिल्टन का सैमसन एगनिस्ट है बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है ये भी लेकिन क्या करूँ नहीं अपलोड कर पाई हूँ यूनिट फोर्थ में पोइटिक ड्रामा ऑन ग्रीक मॉडल तो यहाँ टी एस एलियट का द फैमिली रियूनियन है फिर देखिए यूनिट फिफ्थ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ऑन लैटिन मॉडल और इसमें बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है आगे बढ़ते हैं फिर है आपका पेपर सेकंड और इसका टाइटल है इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम रोमांटिक एज टू द प्रेजेंट टाइम और यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए यूनिट फर्स्ट है रोमेंटिक पोइट्री विलियम वर्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड तो ये मैंने पूरा अपलोड किया हुआ ये आप पढ़ सकते हैं फिर यहाँ एस टी कॉलेज का है द राइम ऑफ एंशियट मैरिनर ये अभी अपलोडेड नहीं है यूनिट सेकंड में पी वी का ओ टू विंड और जॉन कीट्स का ओड टू ए नाइटिंग दोनों ही अपलोडेड हैं इनको आप देख सकते हैं यूनिट थर्ड है विक्टोरियन पोइट्री एल्फ्रेड टेनिसन का द लेडी ऑफ शैलॉट अपलोडेड है रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रॉस्पिके अपलोडेड है पोर फीरियाज लवर शायद अपलोडेड है नहीं है तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी ये कि बहुत खूबसूरत ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है यहाँ द स्कॉलर जिप्सी और रग्बी चैपल अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं कर पाई हूँ इनको अपलोड लेकिन जल्द करूँगी यूनिट फोर्थ में आप पढ़ेंगे ट्वेंटी सेंचुरी पोइट्री फर्स्ट पार्ट डब्ल्यू बी ईर्स द सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम शायद ये दोनों अपलोडेड हैं या इनमें से एक अपलोडेड है मुझे याद नहीं लेकिन अग, कुछ तो इसमें से अपलोडेड है टी एस का द वेस्ट लैंड आ हाँ इसको अपलोड करना बाकी है बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं इसकी लेकिन वही है वक्त कहाँ मिलता है यूनिट फिफ्थ सेंचुरी पोइट्री पार्ट टू यहाँ पर फिलिप लार्किन का लाइन अ यंग लेडीज फोटोग्राफ एल्बम और uh, टोर्स विलफ्रेड ओवन का है एंथम फॉर डूम्ड यूथ एंड गर्ल्स एट दरम एस कुछ भी इनमें से अपलोडेड नहीं है uh, बहुत वक्त लगेगा बच्चों फिर आपका थर्ड पेपर है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको देखिए यूनिट फर्स्ट है प्रॉब्लम प्लेज जी बी शो का Candida, और जॉन गोल्स वर्दी का जस्टिस तो कैंडिडा तो अपलोड नहीं हो पाया लेकिन जस्टिस अपलोडेड है ये आप पढ़ लीजिएगा फिर यूनिट सेकंड मॉडर्न क्लासिकल प्ले आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन और किचन सिंह ड्रामा यहाँ पर जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर है अभी ये सब भी अपलोड करना है बेटा फिर यूनिट थर्ड देखिए आयरिश लिटरेरी जनेसा जे एम सिंज का राइडर्स टू द सी बहुत ही प्यारा नाटक है ये वन एक्ट प्ले है और ये मैंने अपलोड किया हुआ है इसे आप पढ़ सकते हैं थिएटर ऑफ द एपिसोड में हेरल्ड प्रिंटर का द बर्थडे पार्टी है अभी नहीं अपलोडेड लेकिन जल्द होगा यूनिट फोर्थ में मॉडर्न अमेरिकन प्लेस टेनेसी विलियम्स का द ग्लास मैनेजरी एडवर्ड एलवी का तो द ज़ू स्टोरी तो इसमें से द ज़ू स्टोरी अपलोडेड है आप देख सकते हैं यूनिट फिफ्थ में है मॉडर्न इंडियन ड्रामाज गिरीश कर्नाड का तुगलक और महेश दत्तानी का तारा महेश दत्तानी का मैंने सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर अपलोड किया था जो कि आपका बीए में होगा यहाँ नहीं है लेकिन ये सब भी होगा बेटा प्रोसेस में आएगा जल्दी फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पेपर आ, फोर्थ पेपर है ट्वेंटिय सेंचुरी लिटरेचर और ट्वेंटिय सेंचुरी लिटरेचर में क्या है आपके सिलेबस में देखिए यूनिट फर्स्ट है ट्वेंटिय सेंचुरी पोइट्री डब्ल्यू एच ऑर्डन का द शील्ड ऑफ एक्लीस और द अननोन सिटीजन तो यहाँ द अननोन सिटीजन अपलोडेड है द शील्ड ऑफ एक्स जल्द अपलोड करूँगी इस शायद इस सेशन में तो कर दूंगी डायलन टॉमस फर्न हिल और आफ्टर द फ्यूनरल टैड ही है दगोआर एंड हॉक रोस्टिंग यूनिट सेकेंड है ट्वेंटी सेंचुरी प्लेज और यहाँ यूजन ओ नील का दियरी ऐप और सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गोडो यूनिट थर्ड ट्वेंटिय सेंचुरी नॉवल्स इसमें जोसेफ कॉन्वेट का हार्ट ऑफ डार्कनेस है विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है यूनिट फोर्थ है ट्वेंटिय सेंचुरी शॉर्ट स्टोरीज ओ हिंदी का द गिफ्ट ऑफ द मेजाई अपलोडेड है पढ़ लीजिएगा और एफ स्कॉट फिटराल्ड आह क्या खूबसूरत स्टोरी है लेकिन बहुत लंबी है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन मैंने अपलोड करना शुरू भी किया लेकिन इसका जो वीडियो बनाया काफ़ी लंबा वीडियो बन गया उसके बाद मेरा फ़ोन वो ख़राब हो गया तो वो वीडियो भी उसी में चला गया रिट्रीव ही नहीं हो पाया उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है ये Uh, इसके बाद यूनिट फिफ्थ में आप मॉडर्न लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे लेकिन ये स्टोरी है बहुत खूबसूरत तो और मैं कोशिश करूंगी इसको इस सेशन में अपलोड करने की द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन और यहाँ कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं इम्प्रेशनिज्म एक्सप्रेशनिज्म एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जियोक्रिटिसिज्म नो एब्सर्डिज्म इमेजिज्म मैजिक रियलिज्म फैंटास्मोगोरिया प्लास्टिक थिएटर यूटोपिया डिस्टोपिया इसमें कुछ टर्म्स अपलोडेड हैं जैसे यूटोपिया डिस्टोपिया अपलोडेड हैं और भी कई टर्म्स हैं इसमें अपलोडेड हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपलोडेड है डिकन्स्ट्रक्शन लोगोसेंट्रिज्म हेजामोनिक क्रिटिसिज्म तो ये टर्म्स हैं अब हम आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर uh, एट्थ में uh, वही रिसर्च प्रोजेक्ट फोर क्रेडिट्स हर सेमेस्टर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के भी फोर क्रेडिट्स हैं अब आते हैं सेमेस्टर नाइन्थ फर्स्ट पेपर सेमेस्टर नाइन्थ में फर्स्ट पेपर देखिए टाइटल क्या है इसका हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ठीक है अपने टाइटल्स जरूर याद कर लीजिए अक्सर जब वाइवा होता है तो हम आपके टाइटल्स ही पूछ लेते हैं बेटा आपने पेपर्स के टाइटल्स बता दीजिए तो चलिए आगे देखते हैं ग्रीक एंड रोमन थियोरी अरिस्टोटल्स पोइटिक्स मेरी फेवरेट बुक है और ट्वेंटी सिक्स चैप्टर्स हैं टोटल इसमें और ट्रांसलेशन बाय एस एच बूचर ये मैंने इसके ट्वेंटी चैप्टर्स अपलोड किए हैं कई क्वेश्चंस भी इस पर अपलोड किए हैं आ, फिर देखिए लॉन्जनस का ऑन द सबलाइम इस पर मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं फाइव सोर्सेज ऑफ द सबलाइम करके क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में तो वो मैंने अपलोड किया हुआ है फिर यूनिट सेकेंड है क्लासिकल इंडियन थियरी भरत का नाट्य शास्त्र और इसमें रस थियरी ये मैंने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं फिर नेक्स्ट है यूनिट थर्ड यहाँ रनेसा टू न्यू क्लासिकल लिटरेरी थियोरी और यहाँ सर फिलिप सिडनी का एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री है और ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी है फिर यूनिट फोर्थ है और यहाँ रोमांटिक एंड विक्टोरियन क्रिटिसिज्म है वर्ड्स uh, वर्थ का प्रिफेस टू लिरिकल बेलेट्स है इसको मुझे पूरा अपलोड करना है बहुत अच्छे से यहाँ पर ये प्रफेस लिखा है वर्ड्स वर्थ ने इस पर मैंने क्वेश्चन अपलोड किया कर, कर रखा है आपके लिए बाय कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया है मैथ्यू आर्नोल्ड का द स्टडी ऑफ पोइट्री है यूनिट फिफ्थ में मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न थियरी है टी एस सिलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इस पर एक या दो क्वेश्चन अपलोडेड हैं आई का प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है एडवर्ड सईद का द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म बहुत खूबसूरत है ये आ, एक आप इसको ट्रिटाइज बोल सकते हैं बहुत खूबसूरत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पेपर सेकंड पेपर सेमेस्टर नाइन्थ का सेकंड पेपर है टाइटल इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन यहाँ देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में द नेचर एंड स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन आपका फोर्थ सेमिस्टर बीए में भी था और वहाँ ट्रांसलेशन पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं आपके लिए और वो आपने अगर देखे हैं तो यहाँ आपका काम आसान हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन द वेस्ट एंड इन इंडियन ट्रेडिशन और इसका सेकेंड पार्ट थियोरिटिकल बैकग्राउंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन फील्ड्स ऑफ ट्रांसलेशन टेक्निकल टर्म्स प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन डिकोडिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लॉस एंड गेन ट्रांसलेशन वर्सस ट्रांसक्रिएशन फिर यूनिट सेकेंड में ट्रांसलेशन थियोरीज हैं विनय धारवाडकर की है ए के रामानुजन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन वॉल्टर बेंजामिन का है द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर रोमा जैकबसन का है ऑन लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन देन यूनिट थर्ड ड्रामा इन ट्रांसलेशन और यहाँ ग्रीक ड्रामा सफो का आईडी पस रैक्स ये आपके लिए आ, बीए में भी है फिफ्थ सेमेस्टर में और मैंने ये पूरा अपलोड किया है बहुत खूबसूरत ड्रामा है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हमसे गलती कैसे हुई कोशिश हम ये करते हैं कि जो आपके लिए ग्रेजुएशन में हो वो रिपीट ना हो पोस्ट ग्रेजुएशन में पी में तो लेकिन हो गया है चलिए कोई नहीं दो बार पढ़ लीजिएगा फिर संस्कृत ड्रामा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है आपके सिलेबस में और यूनिट फोर्थ में देखिए नॉवेल्स इन ट्रांसलेशन तो रशियन नावल है लियो टॉय का अना करना हिंदी नावल प्रेमचंद का गोदान गोदान पर थोड़ा एक दो वीडियो अपलोडेड है फिर देखिए पोइट्री इन ट्रांसलेशन फ्रेंच पोइट चार्ल्स बॉडलेर इनका द अलबेट है और करस्पॉन्डेंसेस है बांग्ला पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से कुछ सॉन्ग्स हैं कुछ सॉन्ग्स मैंने आपको अपलोड किए हुए हैं सेवेंथ नाइन्थ थर्टीथ फिफ्टी फिफ्थ एंड सिक्सटी फर्स्ट सॉन्ग्स हैं गीतांजलि के जो आपके सिलेबस में हैं अब आगे बढ़ते हैं ये आपका सेमेस्टर नाइन्थ का थर्ड पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी रिसर्च मैथडोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी डेफिनेशन एंड डायमेंशंस, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च लिटरेरी एंड साइंटिफिक रिसर्च इन सोशल साइंसिस एक्शन रिसर्च सलेक्शन ऑफ टॉपिक हाइपोथीसिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिनोपिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर फिर देखिए यूनिट सेकेंड है रिसर्च रिसोर्सिस Selection and analysis of research sources, primary and secondary sources in search. Uh, third part hai, access to library for the collection of data. Fourth part hai, types of research resources print media, electronic media, web links, digital library, selection and analysis of research sorry, resources. यूनिट थर्ड में क्या है देखिए यूनिट थर्ड में सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल अरे भाई शोर कम करो कलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर रिसर्च टेकिंग नोट्स थीसिस स्टेटमेंट प्रपोज डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इसका सेकेंड पार्ट है डिजाइनिंग ऑफ ड्राफ्ट राइटिंग रिविजन एंड एडिटिंग ऑफ मटेरियल रिसर्च डायनेमिक्स clarity, unity, coherence, organization and development, then point of view. एंड फाइनल ड्राफ्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ थॉट, प्लेजरिज्म साइटेशन एंड रेफरेंसेस एब्रीवियशंस एंड प्रूफ रीडिंग यूनिट फोर्थ लैंग्वेज स्टाइल एंड स्किल्स इन थी राइटिंग टाइप्स ऑफ स्टाइल कंसिस्टेंसी इन स्टाइल एम एल ए स्टाइल शीट कन्वेंशंस ये शायद यहाँ कॉमा नहीं लगेगा एम एल ए स्टाइल शीट कन्वेंशंस एक ही है कंसिस्टेंसी डॉक्यूमेंटेशन फुट नोट्स एंड नोट्स एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा सर्फिंग एंड टाइपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी ये पेपर आपका शुरू में होना चाहिए था यानी फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए था क्योंकि आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेंगे उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ये बहुत हेल्पफुल था आपका रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने में लेकिन ये पेपर बहुत लेट दिया इन्होंने नाइन्थ सेमेस्टर में आकर दिया सेवेंथ में होना चाहिए था यानी एम के फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं सेमिस्टर नाइन्थ पेपर फोर्थ और यहाँ ए दे रखा है इसका मतलब यहाँ आपके पास चॉइस है पहले ही हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में जब पेपर्स के टाइटल्स मैंने आपको बताए थे तो वहाँ आपको बताया था चॉइस है आपको तो यहाँ आप अगर मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर चूज करते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये देख लीजिए तो उस हिसाब से फिर आप चूज कर पाएंगे जो आपको ईजी लगेगा देखिए यूनिट फर्स्ट है अमेरिकन पोइट्री वॉल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माय कैप्टन आपने शायद ये पोइम पढ़ी हुई भी हो बहुत पॉपुलर पोइम है अक्सर छोटी क्लासेस में रहती है ये नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ और सेकेंड पोइम ऑन द बीच एट नाइट फिर एमिली डिकिंसन का है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बहुत अच्छी पोइम है और मैंने अपलोड भी की हुई है आई हर्ड अ फ्लाई बर्ज वैन आई डाइड और रॉबर्ट फ्रस्ट का है बर्चिस और uh, दूसरी पोइम द रोड नॉट टेकन ये मैंने अपलोड की हुई है स्टॉपिंग बाई वोड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बहुत खूबसूरत है और इसकी कुछ लाइन्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं uh, वो है द वोड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रमिसेज टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं अपलोड करूंगी इस पोएम को जल्दी फिर यूनिट सेकंड देखिए अमेरिकन ड्रामा यहाँ यूजन ओनील का एम्पर जोन्स है अगस्ट विल्सन का द पियानो लेसन है यूनिट थर्ड देखिए अमेरिकन नावल्स हैं यहाँ मार्क ट्रेन का एडवेंचर्स ऑफ हकल फिन है, विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी है <coughs> यूनिट फोर्थ देखिए ऑटोबायोग्राफी है हेलन कैलर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन का एक चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है थ्री डेज़ टू सी नाम से था हेलन केलर का आ, ये ना सुन सकती थी ना देख सकती थी ना बोल सकती थी लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इनकी जो लाइफ है आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकती है अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है आप बहुत परेशान हैं बहुत दुखी हैं तो एक बार इनको ज़रूर पढ़ लीजिए हेलन कलर को आपकी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी यूनिट फिफ्थ देखिए नॉन फिक्शनल प्रोज है यहाँ आर डब्ल्यू एमरसन का नेचर है सेल्फ रिलायंस है एगर एलनपो का द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन है नेक्स्ट देखिए आपका है जो चॉइस में दूसरा पेपर है सेमेस्टर नाइन्थ पेपर फोर्थ बी तो जो दूसरा पेपर आप ले सकते हैं वो न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश है तो दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करके आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है इस पेपर में आपको क्या पढ़ना है देखिए यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू न्यू लिटरेचर्स कंसेप्ट एंड रेंज ऑफ न्यू लिटरेचर्स सेकेंड पार्ट है मीनिंग ऑफ न्यू लिटरेचर्स थर्ड पार्ट है थीम्स इन न्यू लिटरेचर्स और फोर्थ पार्ट है कैनेडियन अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन एंड अदर्स फिर यूनिट सेकंड देखिए ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पोइट्री विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ का द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय ये पोइम मैंने अपलोड की हुई है इसकी क्रिटिकल अप्रीशियेसन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा वीडियो है वो भी आ, पूरी पोइम अपलोडेड है फिर अदा कैम्ब्रिज का एन आंसर ये भी अपलोडेड है ये एक वीडियो में आपको पोइम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और दूसरे वीडियो में आपको इसकी क्रिटिकल अप्रीशियेशन और क्वेश्चंस मिलेंगे फिर जोड मन टू मैन और लैस मोरे मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ये अपलोडेड नहीं है लेकिन करूँगी इनको भी फिर यूनिट थर्ड है कैनेडियन लिटरेचर में फिक्शन मार्गरेट एटवुर्ड सरफेसिंग माइकल ऑन दाते द इंग्लिश पेशेंट ये बहुत पॉपुलर नावल है और इसको नावल ऑफ द मिलेनियम कहा गया है अवार्ड मिला था इसको फिर यूनिट फोर्थ नाइजीरियन लिटरेचर यहाँ वोल्ड का द अडांस ऑफ द फॉरेस्ट है चिनीवाचे वी थिंग्स फॉल अ पार्ट ये बहुत पॉपुलर नावल है लेकिन मैं इसको अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ यूनिट फिफ्थ नॉन फिक्शनल प्रोज एलिस वोकर इन सर्च ऑफ आर मदर्स गार्डन्स सेक्शन सेकेंड और नावल ऑफ सोशल प्रोटेस्ट रिचर्ड राइट का नेटिव सन तो ये हुआ आपका फोर्थ पेपर फिर हम चलते हैं आपका आखिरी सेमेस्टर सेमेस्टर टेंथ और यहाँ जो फर्स्ट पेपर है उसका टाइटल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है देखिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट निसिम झक्यल इंडियन इंग्लिश पोइट्री है और निसिम झक्यल का आपको एंटरप्राइज पढ़ना है द विजिटर पढ़ना है देन जयंत महापात्रा का हंगर पढ़ना है अब ये इस दुनिया में नहीं रहे आ, इनके साथ मेरा काफ़ी करस्पॉन्डेंस हुआ करता था पत्र व्यवहार काफ़ी लेटर्स मैंने इनको लिखे और इन्होंने उनके जवाब दिए इन्होंने मुझे लिखे और इनकी एक पोईम है हंगर मैंने अपलोड की हुई है और इंडियन समर ये अभी अपलोडेड नहीं है ए के रामानुजन इनकी पोइम अ रिवर ये अपलोडेड है एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन ये अपलोडेड नहीं है लेकिन करूँगी यूनिट सेकेंड इंडियन इंग्लिश ड्रामा इसमें चिल डांडा गिरीश कर्नाड फिर महेश दत्तानी डांस लाइक like अ मैन यूनिट थर्ड देखिए इंडियन इंग्लिश फ़िक्शन द गाइड आह क्या खूबसूरत नावल है और क्या खूबसूरत फिल्म है देवानंद और वहीदा रहमान की और क्या खूबसूरत उसका म्यूज़िक है कांटों से खींच के यहाँ चल इतना प्यारा गाना है तो <laughs> मूवी ज़रूर देख लीजिएगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा नावल ना भी पढ़ पाए तो फिर राजा राव का द सर्पेंट एंड द रोप और यूनिट फोर्थ में Desaika, Peacock, Lahiri, Namesake, fifth, है इंडियन विमेन नॉवलिस्ट अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक झुम्पा लहरी द नेम और चित्रा बी देवाकरुनी द फॉरेस्ट ऑफ एनचांटमेंट्स और यूनिट फिफ्थ नॉन फिक्शनल प्रोज है निराशी चौधरी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन इनका एक ऐसे मैंने अपलोड किया था मी द वेदर एंड आई विल टेल यू द मैन आ, बहुत अच्छा ऐसे था बल्कि अच्छा क्या मैंने तो उनको क्रिटिसाइज ही किया था क्योंकि इनकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और फिर जे कृष्ण मूर्ति का है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सिलेबस में है सेकंड पेपर यहाँ और इसका टाइटल है जेंडर एंड लिटरेचर और यहाँ आपको क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में थियरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन लिटरेचर यहाँ सिमॉन डी बोवाग द सेकेंड सेक्स बहुत ही अच्छी बुक uh, है और uh, खैर औरतों को ज़्यादा अपील करती है क्योंकि औरतें जब पुरुषों के ख़िलाफ़ विद्रोह करती हैं तो पुरुषों को नहीं अच्छा लगता तो ये जो यहाँ जितना भी राइटिंग्स आपके लिए जितने भी वर्क्स आपके सिलेबस में हैं ये लड़कियों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि उनकी बात हो रही है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक का है कैन द सवाल टर्न स्पीक ये भी बहुत अच्छा वर्क है और लेकिन अभी कुछ अपलोडेड नहीं है कोशिश करूँगी यूनिट सेकेंड जेंडर डिस्कोर्स एंड पोइट्री सिल्विया प्लेथ का है डैडी द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स लेडी लजारस कमला दास का है एन इंट्रोडक्शन द सब्स्टिट्यूट द सनशाइन कैट फिर यूनिट थर्ड जेंडर डिस्कोर्स एंड नॉवेल्स टोनी मॉरिसन का है बिलवड शशि देश पांडे दैट लॉन्ग साइलेंस बहुत अच्छे नावल शशि देश पांडे का बहुत अच्छा नावल है खैर सभी अच्छे ही हैं जो आपके सिलेबस में हैं यूनिट फोर्थ जेंडर डिस्कोर्स इन थिएटर गिरीश कर्नाड नागमंडला मंजुला पद्मनाभन लाइट्स आउट और यूनिट फिफ्थ में जेंडर डिस्कोर्स एंड नॉन फिक्शनल प्रोज वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन इसका एक पार्ट मैंने अपलोड किया है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के, के सिलेबस में था यहाँ मतलब इसी का एक एक्सेप्ट एक था अरूम ऑफ वन सोन से लिया गया था शेक्सपियर सिस्टर तो अब कोशिश करूँगी इसको पूरा अपलोड करने की फिर एड्रियन रिच कंपल्सरी हैट्रो एंड लेस्बियन एक्जिस्टेंस ये सब कुछ आपके सिलेबस में है फिर देखिए सेमेस्टर टेंथ का पेपर थर्ड ए और तो इसका मतलब आपके पास चॉइस है आप चाहे तो ए को पढ़ सकते हैं चाहे तो बी को पढ़ सकते हैं और ए जो पेपर है उसका टाइटल है मॉडर्न लिटरेरी ट्रेंड्स एंड थियरीज और यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए लिटरेरी ट्रेंड्स टर्म्स एंड कंसेप्ट डायस्पोरा क्रिटिसिज्म यहाँ ये टर्म्स हैं मॉडर्निज्म इमपर्सनैलिटी स्ट्रक्चरलिज्म रशियन फॉर्मलिज्म, मेटानेटिव, मल्टी कल्चरलिज्म न्यू हिस्टोरिसिज्म डी कंस्ट्रक्शन रीडर रेस्पांस क्रिटिसिज्म सब फॉर्मलिज्म इसमें से शायद एक दो तो अपलोडेड है आ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके फिर यूनिट सेकंड है लिटरेरी थियरीज एंड एमर्जिंग क्रिटिक्स होमी भाभा जैक्स डेरिडा माइकल फूको इसको मिशेल फूको बोलते हैं आ, या माइकल फूको भी बोलते हैं कुछ लोग अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेते हैं फ्रायड जूलिया क्रिस्टिवा जेकबसन जैक्स लेकन नीच से फर्नैंडिस ऑशोर गायत्री स्पिवाक, एफ आर लिविस रोला बार्थिस एंड फ्रांस फैनन तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है इन सारे क्रिटिक्स के बारे में यूनिट थर्ड देखिए मेजर मॉडर्न लिटरेरी थियरीज़। तो इसका पार्ट वन कॉन्सेप्ट्स, कैनन्स एंड डायमेंशंस अच्छा ये इनमें से बहुत सारा आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी रहा है तो इन सबको आपने पढ़ा होगा इन सभी थिंकर्स को वहाँ भी फेमिनिस्ट फेमिनिज्म का कंसेप्ट वहाँ पर भी है फेमिनिस्ट चौथर्स वहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड हैं तो बहुत कुछ आपको सोशियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा आ, फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म है कंसेप्ट है आइडियोलॉजी है एंड क्रिटिकल फ्रेमवर्क है यूनिट फोर्थ देखिए मेजर मॉडर्न लिटरेरी थियरीज पार्ट टू साइको एनालिसिस डायमेंशनस एंड एलिमेंट्स ऑफ थियोरिटिकल फ्रेमवर्क पोस्ट मॉडर्निज्म है कंसेप्ट है आइडियोलॉजी है एंड एप्लीकेशन है यूनिट फिफ्थ में थियोरीज बियॉन्ड लिटरेचर यहाँ दो पार्ट्स हैं इसके परफॉर्मिंग लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और सेकेंड पार्ट इको क्रिटिसिज्म आगे बढ़ते हैं डर तो नहीं गए बेटा डरना नहीं है डर के आगे जीत है ना फिर सेमेस्टर टेंथ सेमेस्टर टेंथ तो चल ही रहा है पेपर थर्ड का बी यानी चॉइस है आपके पास आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं चाहे तो ये पढ़ सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए यहाँ देखिए तो क्या है जो आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है इस पेपर में वो यूनिट वन में फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसके फोर पार्ट्स हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरफेस ऑफ इंग्लिश विद अदर लैंग्वेज थर्ड पार्ट है वैराइटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फोर्थ पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सेकेंड देखिए फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी वर्बल्स एंड कंसोनेंट्स फोनीम्स एंड ऑलफोन्स वर्ड एक्सेंट रिदम एंड इंट्रोनेशन मॉरफीम्स हैं प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन हैं यूनिट थर्ड देखिए कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर यूनिट थर्ड में कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर है इसकी चार पार्ट्स हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच द एय स्टीम मैकेनिज्म और थर्ड पार्ट है लेटर्स एंड साउंड और फोर्थ है प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंशिएशन वो रहती ही हैं सभी की रहती हैं इवन अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाशिएशन अलग है और चाइनीज uh, अपने तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश को हम इंडियंस अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और इंडिया में भी साउथ uh, में अलग प्रोनाशिएशन है हमारा नॉर्थ में अलग प्रोनाशिएशन है तो ये प्रॉब्लम्स हैं प्रोनांशिएशन की इस अगर हम गलत भी प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें एम्बेरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंग्रेज लोग भी हमारी हिंदी को प्रोनाउंस नहीं कर पाते वो कितना भी उन्होंने हिंदी में पीएचडी किया होगा लेकिन ता को प्रोनाउंस नहीं कर पाते वो जैसे कहें तुम क्या कर रहे हो वो तुम नहीं बोल पाते है ना तो ज़्यादा परेशान होने की या एम्बेरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है हम खूब गलत प्रोनाउंस करते हैं वो हमारी हिंदी को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाए कि हम हमेशा सही प्रोनाउंस करेंगे आ, तो ये प्रॉब्लम सॉफ्ट प्रोनाशिएशन हो गया और यूनिट फोर्थ में जब हम जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इसमें स्कीमिंग है स्कैनिंग है इंटेंसिव रीडिंग है एक्सटेंसिव रीडिंग है यूनिट फिफ्थ है एसेंशियल्स ऑफ राइटिंग है फ्रेमिंग आइडियाज प्रेजेंटेशन क्लैरिटी एंड लॉजिक कमांड ऑफ लैंग्वेज पंक्चुएशन है सेकेंड uh, पार्ट है फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज थर्ड पार्ट है एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया और फोर्थ पार्ट है यहाँ पैराग्राफ राइटिंग आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर uh, टेंथ में आपका फोर्थ पेपर और इसका पार्ट ए दलित लिटरेचर दलित लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट देखिए कंसेप्ट आइडियोलॉजी एंड डायमेंशंस ऑफ दलित लिटरेचर यहाँ आपको शरण कुमार लिंबली का टूअर्स एंड एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर हिस्ट्री कंट्रोवर्सीज एंड कंसिडरेशंस ये पढ़ना है शरद चंद मुक्तिबोध का वॉट इज दलित लिटरेचर ये पढ़ना है यूनिट सेकंड में दलित पोइट्री है यहाँ नानदेव ढसाल का है हंगर अर्जुन कामली का है यस्टरडे दे हैव अनाउंस्ड और नीरज पटेल का है इट वुड वर इलिटरेट फिर दलपत चौहान का है अनटचेबल एक मुल्क राज आनंद का भी अनटचेबल है लेकिन वो नॉवेला है और ये पोइट्री है फिर यूनिट थर्ड देखिए दलित फिक्शन बागुल वैसे ही यहाँ जो मुर्खराज आनंद का अनटचेबल था उसको भी यहाँ इंक्लूड किया जा सकता था क्योंकि वहाँ भी यही बात हो रही है अनटचेबल्स की बात हो रही है अनटचेबिलिटी की बात हो रही है तो लेकिन यहाँ नहीं है क्योंकि वो ग्रेजुएशन में है आपके सिलेबस में यूनिट थर्ड में दलित फिक्शन है बागुल का वेन आई हिट माई कास्ट फिर अरिंदम मृदा इनका म्यूट एग्जिस्टेंस द दलित एक्सपीरियंस फिर यूनिट फोर्थ देखिए दलित ऑटोबायोग्राफीज में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है बेबी कमले का द प्रिजन वी ब्रोक फिर यूनिट फिफ्थ देखिए नॉन दलित कंट्रीब्यूशन टू दलित लिटरेचर यहाँ पर यू आर अंतमूर्ति का संस्कार है महाश्वेता देवी का वाटर है रविन्द्रनाथ टैगोर का चंडालिका है इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेमिस्टर <स्थाँगा> टेंथ में पेपर फोर्थ और इसका पार्ट बी देखिए यानी आप ये चूज कर सकते हैं फोर्थ पेपर में चाहे तो ए चाहे तो बी यहाँ चिल्ड्रन्स लिटरेचर है चिल्ड्रंस लिटरेचर में क्या क्या है देखिए यूनिट फर्स्ट में चिल्ड्रंस लिटरेचर द कंसेप्चुअल फाउंडेशन इसका पार्ट वन देखिए चिल्ड्रंस लिटरेचर मीनिंग एंड कंसेप्ट और सेकंड पार्ट है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर पार्ट थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर ऑन द बेसिस ऑफ एज जनरा फोर्थ पार्ट देखिए सिग्निफिकेंस एंड रैशनल बिहाइंड द स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर यूनिट सेकेंड में है पोई इन चिल्ड्रंस लिटरेचर विलियम वर्ड्सवर्थ का है थ्री ईयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर ये अपलोड की हुई है मैंने पोएम शी अनट्रोडन वेज फिर विलियम ब्लेक का है द चिमनी स्वीपर और दूसरी पोइम है द लैम सरोजनी नायडू का द विलेज सॉन्ग और सेकंड पोइम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद यूनिट थर्ड देखिए शॉर्ट स्टोरीज एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर यहाँ रविन्द्र टैगोर की बहुत खूबसूरत स्टोरी है काबुली वाला और ये मैंने अपलोड की हुई है इसको पढ़ाते हुए आंखों में आंसू आ गए थे बहुत प्यारी सी है क्योंकि यहाँ पिता और पुत्री की बात हो रही थी तो जब मैं पढ़ा रही थी आंखों में आंसू आ गए आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये स्टोरी काबुली वाला आर के नारायण अ स्नेक इन ग्रास है मुल्क राज आनंद का द लॉस चाइल्ड है बहुत ही प्यारी स्टोरी है और मैंने अपलोड की हुई है जरूर देखिएगा वो वीडियो रस्किन बॉन्ड का द ब्लू अम्ब्रेला है शायद मैंने अपलोड की हुई है इसकी रिक्वेस्ट तो आई थी अब मुझे याद नहीं कि इसको अपलोड किया कि नहीं लेकिन नहीं किया है तो जरूर करूंगी आ, फिर यूनिट फोर्थ देखिए मुझे लगता है कि मैंने ये भी अपलोड की हुई है देख लीजिएगा शॉर्ट स्टोरीज नाम से प्लेलिस्ट है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं तो जितनी पोइम्स हैं वो एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश पोइट्री करके वहाँ अपलोडेड हैं और जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो द इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी करके प्ले लिस्ट है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा फिर यूनिट फोर्थ है चिल्ड्रन्स नावल है लुइसा मे अल्कॉट का लिटिल वेमेन बहुत प्यारा नावल है मैंने पढ़ा लेकिन अपलोड नहीं किया है रेडियार्ड क्लिंग का किम है लिविस कैरोल का एलिस इन वंडरलैंड है इसके तो आपने कार्टून देखे होंगे बचपन में और मूवी भी है एलिस इन वंडरलैंड तो आप चाहें तो वो देख लें यूनिट फिफ्थ चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड थिएटर यहाँ विजय तेंदुलकर प्लेस फॉर चिल्ड्रन पहला है द प्ले ऑफ द नोजी पार्क और दूसरा है बॉबी फिर आगे बढ़ते हैं हम और अब हम आए आ, ये सेमेस्टर टेंथ रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया तो रिसर्च प्रोजेक्ट का मालूम ही है कि एम प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में होगा ऐसे एम ए फाइनल के फर्स्ट सेमेस्टर में आप शुरू करेंगे यानी नाइन्थ सेमेस्टर में और वो सेमेस्टर टेंथ में एवेल्युएट होगा और अब क्या बचा भाई लिटरेचर एंड फिल्म अच्छा ये माइनर वालों के लिए है जो इंग्लिश माइनर में लेंगे एम में अभी तक तो हमारे यहां तो किसी ने लिया नहीं था इंग्लिश uh, को माइनर में ऑप्ट नहीं किया था uh, लेकिन अब ले सकते हैं और ये माइनर के लिए अलग से कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है तो यहाँ आपको क्या पढ़ना होगा अगर आप एम लेवल पर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से आप एम कर रहे हैं और इंग्लिश एज अ माइनर सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं तो यहाँ आपको क्या पढ़ना होगा देखिए तो टाइटल तो आपने पहले ही देख लिया uh, इसका टाइटल है एडेप्टशन लिटरेचर एंड फिल्म्स है अडेप्टेशन ऑफ लिटरेचर टू फिल्म थियरी एंड एनालिसिस और पढ़ना क्या क्या है आपको देखिए यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू फिल्म जर्नर एंड सब जर्नर क्लिक फ्लिक वॉर क्राइम कॉमेडी बायोपिक्स ड्रामा साइफाई डॉक्यूमेंट्री डिजास्टर हिस्टोरिकल एक्शन पॉलिटिकल तो ये सब आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है यूनिट सेकेंड फिल्म सॉन लिटरेचर एडेप्टन एंड इट्स टाइप्स अप्रोचेज टू रीडिंग फिल्म टेक्स्ट थर्ड पार्ट है चैलेंजेस इन अडेप्टन और फोर्थ पार्ट है व्यूइंग फ्रॉम अ लिटरेरी लेंस और परूनिट थर्ड में आप क्या पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन हॉलीवुड मूवीज तो फेयरवेल टू आर्म्स का अडेप्टन अनस्ट हनेंगवे का नॉवेल है और इसका एडेप्टन आप देखेंगे और फिर जो सेकेंड है टू किल अ मॉकिंग वर्ड हारपर्ली का नॉवल है इसका एडेप्टन एक फिल्म के रूप में हुआ है ये आप पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में अडेप्टेशन इन बॉलीवुड मूवीज तो ये बॉलीवुड मूवीज तो आपकी देखी हुई होंगी कई बार मैं आपको द गाइड देखने को कहती हूँ आर के नारायण का द गाइड डायरेक्टेड बाय विजय आनंद है ना तो ये जरूर देख लीजिएगा और ओथेलो की ओंकारा तो आपने ज़रूर देखी होगी यहाँ अजय देवगन थे करीना कपूर थी बहुत ही अच्छी मूवी थी यूपी में बेचती तो यूपी का तो हाल आप वैसे भी जानते हैं बिना गालियों के यहाँ बात नहीं होती तो यहाँ आपको यूपी देखने को मिलेगी हमारा यूपी ऐसा ही है ओंकारा में जो आप देखते हैं और फिर यहाँ यूनिट फिफ्थ एडेप्टशन अदर देन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड तो यहाँ पाथेर पांचाली है बंगाली फिल्म है सत्यजित रे फ्रॉम इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉन्ग ऑफ द रोड बंगाली नॉवल बाय विभूति भूषण बंदोपाध्याय फिर सेकंड पार्ट है इसका संस्कार कन्नड़ फिल्म है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अ राइट फॉर अ डेड मैन तो ये टोटल आपको पढ़ना होगा अगर आप इंग्लिश माइनर में ऑप्ट करते हैं तो ये था आपका पूरा सिलेबस एम ए का यहाँ ख़त्म हुआ और घबराने की ज़रूरत नहीं है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हाँ आपको पेशेंस बहुत चाहिए होगा सिलेबस इस तरीके का है कि आप अगर इसको पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको नेट क्वालीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे रिसर्च करने में पीएचडी करने में या आगे आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस पूरे सिलेबस को पूरी ईमानदारी से दो साल पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी ये सब तो आपके लिए हवा हवाई होंगे बहुत इजीली आप इनको क्रैक कर लेंगे तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए ये समरी ऑफ़ क्रेडिट्स है आपको ये क्रेडिट्स हासिल करने हैं ट्वेंटी फोर Uh, ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर या फिर आपको इनको सेवन्थ सेमेस्टर एट्थ सेमेस्टर नाइन्थ सेमेस्टर और टेंथ सेमेस्टर भी कह सकते हैं और फोर क्रेडिट्स आपके माइनर इलेक्टिव के होंगे जो अदर फैकल्टी से आप चूज करेंगे जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया हुआ है बच्चों ने तो ये टोटल क्रेडिट्स आपके हंड्रेड हैं पूरे एम में तो आप सभी मेहनत कीजिए और मेरी शुभेक्षाएँ आपके साथ हैं आशीर्वाद आपके साथ है मैं तो आपके साथ हूँ ही धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी ये पूरा सिलेबस अपलोड करने की लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी होगी कॉलेज में तो हम कराते ही हैं लेकिन मेनली जब आप एम ए लेवल पर होते हैं तो आपकी सेल्फ़ स्टडी बहुत काउंट करती है तो हमारा ये सफ़र जारी रहेगा ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी धन्यवाद